नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एमपी के 70,000 बिजली कर्मियों की हड़ताल, न फॉल्ट सुधारेंगे न शिकायतें दूर होंगी, 52,000 पेंशनर्स भी करेंगे प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। पेंशन, ट्रांसफर, इंश्योरेंस समेत 8 मांगों को लेकर वे ड्यूटी नहीं करेंगे। इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। न तो बिजली लाइन के फॉल्ट सुधरेंगे और न ही शिकायतें दूर होंगी। नए कनेक्शन, बिजली बिल वितरण, रीडिंग भी नहीं हो सकेंगी। प्रदेश के 52,000 पेंशनर्स भी हड़ताल के दौरान प्रदर्शन करेंगे। वहीं हड़ताल रोकने के लिए 3 महीने तक एस्मा लागू कर दिया गया है। इन संगठनों के आह्वान पर हड़ताल करेंगे यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाइज एवं इंजीनियर्स के अध्यक्ष बीकेएस परिहार ने बताया कि बिजली कंपनी के प्रमुख संगठन यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाइज एवं इंजीनियर्स, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, पावर इंजीनियर्स एवं एम्प्लाइज एसोसिएशन PEEA ने विद्युत क्षेत्र को बचाने एवं नियमित संविदा आउटसोर्स पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त रूप से लड़ने का निर्णय लिया है। इसके चलते हर जिले में जिला प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। कलेक्टरों को दिया हड़ताल का नोटिस, बिजली कर्मियों के लिए 3 महीने का एस्मा, यूनाइटेड फोरम अध्यक्ष बोले डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।